हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हमारे पास हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के 15 एमसीक्यूज। ये पार्ट 1 है, इस चैप्टर का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें 15 और एमसीक्यूज होंगे। लेकिन इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी वीडियो को जरूर देखिए जिसमें मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। जब आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ जाएं उसके बाद ही इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एसिड्स आर डैश इन टेस्ट एंड बेसिस आर डैश इन टेस्ट। ए, बिटर एंड सार। बी, सार एंड बिटर। सी, बिटर एंड स्वीट। डी, स्वीट एंड सार। एसिड्स और बेसिस के टेस्ट के बारे में आपको बताना है। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज सार एंड बिटर। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, सार यानी कि खट्टा, एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर यानी कि कड़वा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, substance that is used to test whether a substance is acidic or basic is called as A, indicator, B, acid, C, base or D, indication। वो substance जिसको हम use करते हैं ये test करने के लिए कि कोई substance acidic है या basic, उसे हम क्या कहते हैं। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज इंडिकेटर। हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, राइट। इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, इट सेज फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन वर एडेड टू अ सॉल्यूशन। ओके, आपने कुछ ड्रॉप्स लिटमस सॉल्यूशन की एक सॉल्यूशन में एड कर दी। नाउ द सॉल्यूशन टर्न्ड रेड, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। आपने कुछ ड्रॉप्स ली लिटमस सॉल्यूशन की और उसे एक दूसरे सॉल्यूशन में डाल दिया, आपका जो वो सॉल्यूशन था वो रेड हो गया। आपको बताना है कि वो सॉल्यूशन किस चीज का था। ए, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बी, आमला जूस सॉल्यूशन। सी, सोप सॉल्यूशन। और डी, एंटासिड सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज आमला जूस। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लिटमस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब उसका कलर रेड हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है? बेकिंग सोडा तो बेस है, सोप सॉल्यूशन भी बेस है और एंटासिड भी बेस है, तो एसिडिक सिर्फ एक ही है, आमला जूस, यानी कि आपका सॉल्यूशन जो था वो आमला जूस का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एसिड दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक इज, वो कौन सा एसिड है जो नेचुरली हमारे स्टमक में भी प्रोड्यूस होता है। ए, नाइट्रिक एसिड। बी, सल्फ्यूरिक एसिड। सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और डी, सिट्रिक एसिड। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है और डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विनेगर कंटेन्स डैश एसिड एंड कर्ड कंटेन्स डैश एसिड। आपको बताना है विनेगर में कौन सा एसिड होता है और कर्ड में कौन सा एसिड होता है। ऑप्शंस ए, लैक्टिक एंड फॉर्मिक। बी, एसिटिक एंड लैक्टिक। सी, फॉर्मिक एंड लैक्टिक। डी, लैक्टिक एंड एसिटिक। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज एसिटिक एंड लैक्टिक। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड एंड कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिनोफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस इन विच सॉल्यूशन। फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर है वो कलरलेस किस सॉल्यूशन में रहता है। ए, बेसिक। बी, एसिडिक।
सी न्यूट्रल एंड डी बोथ बी एंड सी। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी। आई नो आप में से बहुत लोगों ने एसिडिक किया होगा। जी हाँ, एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस रहता है, लेकिन फिनोफ्थलीन का एक्चुअल कलर क्या होता है? कलरलेस ही होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो जब आप उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी डालेंगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, इसलिए फिनोफ्थलीन विल रिमेन कलरलेस इन एसिडिक एंड बोथ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑल्सो। राइट, किसी भी इंडिकेटर का जो एक्चुअल कलर होता है, अगर आप उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका वही एक्चुअल कलर ही रिटेन रहेगा। अगर आप उसको एसिडिक और बेसिक में डालेंगे तब उसका कलर चेंज होगा। राइट, लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशन में किसी भी इंडिकेटर का कलर वही रहेगा जो उस इंडिकेटर का एक्चुअल कलर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डैश इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक एंटासिड है। राइट, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ए एसिड, बी बेस, सी सॉल्ट और डी नन ऑफ दीज। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज बेस। क्वाइट इजी, राइट, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एंटासिड है। एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें क्या प्रेजेंट होगा? बेस प्रेजेंट होगा, क्योंकि एसिड्स को बेस ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। What is the effect of soap solution on turmeric paper? अगर एक turmeric paper है आपके पास, तो उस पर अगर आप soap solution डालेंगे तो उसका क्या effect पड़ेगा? A. It turns blue. B. It turns red. C. It remains yellow. D. No change. Alright, so the correct answer is it turns red, right? हमने बात की थी कि टर्मरिक पेपर पे अगर आप सोपी सॉल्यूशन लगाएंगे, अब सोपी सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है, राइट? तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेकिंग सोडा, बी बेकिंग पाउडर, सी लाइम वाटर और डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम केमिकली कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अ सॉल्यूशन टर्न डार्क पिंक व्हेन चाइना रोज पेटल्स इंडिकेटर वाज एडेड टू इट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जो था वो डार्क पिंक हो गया जब आपने उसमें चाइना रोज पेटल इंडिकेटर को एड किया। आपको बताना है कि वो सॉल्यूशन किस टाइप का है। A. Acidic, B. Basic, C. Neutral, D. Distilled water. All right, so the correct answer is acidic solution, right? हमें पता है कि जब हम China Rose Petals Indicator को acidic solution में डालते हैं तो उसका color जो है, solution का color जो है वो dark pink या magenta हो जाता है, right? हमने पढ़ा था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक। प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं करते जब सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू अ बेसिक सॉइल टू करेक्ट इट्स पीएच। आप क्या एड कर सकते हैं एक बेसिक सॉइल में उसके पीएच को करेक्ट करने के लिए? ए स्लेक लाइम, बी ऑर्गेनिक मैटर, सी क्विक लाइम और डी बोथ ए एंड सी।
ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर क्यों? क्योंकि हमने कहा कि हमारी सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा बेसिक है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? एसिड डालना पड़ेगा. स्लेक लाइम और क्विक लाइम तो बेसिक हैं. ऑर्गेनिक मैटर डालने से सॉइल में एसिड्स रिलीज होते हैं, इसीलिए हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे अपनी बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसका पीएच करेक्ट करने के लिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटासिड है इज केमिकली ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम कार्बोनेट और डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ए वाटर ओनली, बी सॉल्ट ओनली, सी सॉल्ट प्लस वाटर, डी एसिड प्लस बेस. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज सॉल्ट प्लस वाटर. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर? इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है? ए टर्मरिक, बी फिनोफ्थलिन, सी चाइना रोज और डी लिटमस. ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज फिनोफ्थलीन. टर्मरिक, चाइना रोज और लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. राइट, क्वेश्चन नंबर 15. चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन इनटू विच कलर? जो चाइना रोज इंडिकेटर है वो बेसिक सॉल्यूशन को किस कलर में चेंज कर देता है? ए डार्क पिंक, बी ग्रीन, सी रेड और डी ब्लू. द करेक्ट आंसर इज ग्रीन. यस, चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है. राइट, तो ये तो थे हमारे 15 एमसीक्यूज. अब मैं आपको तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसके आंसर्स जो हैं वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं. ओके, चलिए पहला देखते हैं. नंबर 1. इन एसिडिक सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू विच कलर? ए ब्लू, बी पिंक, सी इट रिमेन्स रेड ओनली, डी पर्पल और मॉव. एसिडिक सोल्यूशन में आपका रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इंडिकेटर विच गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, वो कौन सा इंडिकेटर है जो एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर देता है? ए लिटमस सोल्यूशन, बी ब्लू लिटमस पेपर, सी टर्मरिक और डी बोथ ए एंड बी. ओके, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं. लिटमस अ नेचुरल डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए अल्गी, बी माइकोराइजा, सी चाइना रोज और डी लाइकेन्स. ऑल राइट गाइज, ये थे हमारे 15 एमसीक्यूज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर से. लास्ट के 3 एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. अगर कोई भी एमसीक्यू आप अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो चैप्टर की वीडियो को फिर से देखिए, अच्छी तरह से चैप्टर को समझिए और पढ़ते रहिए. एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू, कीप स्टडिंग.